वर्ष 2020 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा गेहूं की नई वैरायटी रिलीज की गई है। इसका नाम है HI 1628, यानी पूसा गेहूं 1628। इस वैरायटी की यह विशेषता है कि यह 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक उत्पादन देती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। HI 1628 यह बिस्किट, ब्रेड और चपाती के लिए बहुत उपयुक्त किस्म मानी जाती है। यह किस्म WH 1142, SD 3047, PBW 644 और WH 1080 से ज़्यादा उपज देती है। उनसे लगभग 16% के आसपास इसकी उपज अधिक मिलती है। इस वैरायटी की विशेषता यह है कि यह कम सिंचित जमीन या कम पानी में हो सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी समय पर बुआई कर दी जाए। यह मुख्य रूप से उत्तर भारत के लिए अनुशंसित किस्म है। उत्तर भारतीय राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कोटा डिवीज़न को छोड़ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िले, हिमाचल प्रदेश के कुछ ज़िले, उत्तराखंड के कुछ ज़िले इसमें शामिल हैं। तो आइए लाइव हम देखते हैं कि ये खेत के ऊपर कैसी दिखाई देती है। HI 1628 इस प्रकार गेहूं की स्थिति। इस प्रकार की बोली